हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक। इस चैनल के दौरान हम आपको हर वीक की जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड न्यूज़ आती है वो हम आपको बताते हैं। तो इस वीक की न्यूज़ चालू कर रहा हूँ मैं। DGFT से एक नोटिस 56 नंबर आया हुआ है, जिसके अंतर्गत स्टेनलेस स्टील वॉशर के बारे में बताया गया है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स एज अपियरिंग इन सीरियल नंबर C888 फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील वॉशर्स फॉर डिफरेंट ग्रेड स्टैंड सस्पेंडेड विथ इमीडिएट इफेक्ट। और अगर कोई इसको एक्सपोर्ट करना चाहता है तो यहाँ पे एक एक्सपोर्टर डिसीशन इज ऑपरेटिंग एडवांस ऑथोराइजेशन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ अबोव सेड प्रोडक्ट में अप्लाई अंडर द पैरा नंबर 4.07 ऑफ हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर 1520। तो अगर आप इस पर्टिकुलर बिजनेस में काम कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील वॉशर के अंदर, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको जो इनपुट आउटपुट नॉर्म से उसको सस्पेंड किया गया है और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एडवांस ऑथोराइजेशन एज पर हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर पैरा नंबर 4.07 के अंतर्गत आपको अप्लाई करके बाद में ही करना रहेगा। PIB की तरफ से एक न्यूज़ आई है। PIB जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो हम लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जो न्यूज़ देती है उसे कुछ फिगर्स बताई है। जो फिगर्स अप्रैल और दिसंबर लास्ट ईयर 19 में जो हुए हैं उनके बारे में, तो इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट, ये ओवरऑल एक्सपोर्ट की जो फिगर है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर है। इन अप्रैल टू दिसंबर 2019 आर एस्टिमेटेड टू बी 397.48 बिलियन रहा है, और दैट इज एग्जिबिटिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 0.93% इन कंपेयर टू लास्ट ईयर्स फ्रॉम 2018 के अंदर जो अप्रैल से दिसंबर था उससे थोड़ा प्लस में आया हुआ है ऐसा बताया है। और इंपोर्ट के बारे में कि इन लोगों ने फिगर दिए कि इंपोर्ट ओवरऑल जो हुआ है हमारा लास्ट ईयर 2019 में फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, वो जो फिगर रही है वो रही है US $455.14 बिलियन, एग्जिबिटिंग नेगेटिव परसेंटेज ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो इम्पोर्ट हमारा कम हुआ है 5.82 से और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बड़ा हुआ है 0.93 से। दिस इज कंपेरेटिवली टू लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्विस एक्सपोर्ट बारे में एक नवंबर की फिगर रिलीज की है, वो ऐसी है, मंथली डेटा ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज फॉर द नवंबर 2019 इज, जो एक्सपोर्ट हुआ है वो अक्टूबर के अंदर जो मैं आपको फिगरें बता रहा हूँ वो US मिलियन में है। और अक्टूबर का जो एक्सपोर्ट्स जो है, मतलब जो हम लोगों को पैसे सर्विस एक्सपोर्ट के अंतर्गत मिले हुए हैं, वो US इन मिलियन 17,698। और नवंबर के अंदर जो एक्सपोर्ट की जो हम लोगों की रिसिप्ट आई है वो 17,996 है। तो अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर और नवंबर में सर्विस एक्सपोर्ट हमारा सेम रहा है, और हम लोगों ने जो पेमेंट किए जो सर्विस को इंपोर्ट किया है उसकी फिगर है US मिलियन के अंदर 10,864 और नवंबर के अंदर 11,472। तो ये जो फिगर बताई गई है, साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि मंथली डेटा ऑन सर्विसेज आर प्रोविजनल एंड वुड अंडर गो रिविजन वेन द बैलेंस पेमेंट डेटा रिलीज ऑन द क्वार्टरली बेसिस। तो ये सर्विस एक्सपोर्ट की हमारी फिगर है। मैं आपको पहले भी न्यूज़ में बता चुका हूँ कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसके अंदर 37% जो है वो हमारे सर्विस एक्सपोर्ट का योगदान है। जो लोग भी सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उन लोगों को दो तीन बातें मैं प्रॉफिटेबल बताता हूँ। जो लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए सर्विस एक्सपोर्ट करना एक सजेस्टेड है। और सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर आप सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ भी जुड़े रहेंगे, उनसे भी इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको बताया जाएगा। और सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर अबाउट 170 आइटम्स जो डिफाइन की गई है उसकी लिस्ट भी आप लोगों को नीचे लिंक के ऊपर दी गई है। तो आप इनमें से जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हो तो सर्विस एक्सपोर्ट में ज़्यादा आगे अपना योगदान दीजिए। और पैसे नहीं हैं तो आप सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी चीज़ को खरीदने के लिए कुछ पैसे नहीं देने पड़ते हैं।
एक्सपोर्टर लोगों को कम रेट के अंदर इंटरेस्ट में देने के लिए का एक सुझाव आया हुआ है। तो आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो लोन आप लोगों को अभी दी जाएगी, तो EPC जो एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट है, जो आपको रुपी में लोन मिलती है, तो ये सजेशन दिया हुआ है कि 7.50% के ऊपर आपको उपलब्ध की जाएगी। और अगर आप PCFC ले रहे हैं, पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.50% रहेगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी हैं या इसमें एंटर होना चाहते हैं, तो आप जब भी बैंक से लोन एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपने लेटर के अंदर बैंक से PCFC ही मांगना चाहिए, क्योंकि PCFC जो है पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, वो आप लोगों को कम रेट अप्रॉक्सीमेटली 50% लेसर देन EPC, जो रुपी में आपको लोन मिलती है उसमें से आपको 50% लेसर में आपको लोन मिलती है। तो आप हमेशा PCFC ही लोन लीजिए, अगर बैंक के पास फंड फॉरेन करेंसी के हैं तो देंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि बैंक आपको फॉरेन करेंसी में ही देगी, बैंक अपने फॉरेन करेंसी के फंड में से उस दिन के रेट को अप्लाई करके, उसका जो पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी का जो रेट है वो अप्लाई करके आपको रुपी में ही देती है। अब ये पैसा लेके आप पर्टिकुलर चीज़ों को प्रोक्योरमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बाद में यहाँ से बेचते हैं, भेजने के बाद आपका जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में ही आता है। तो फॉरेन करेंसी में से बैंक ने आपको लोन दी हुई है और फॉरेन करेंसी में सामने से पेमेंट आई है, तो वहाँ पर ये स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ आपका जो एप्लीकेशन जो रहेगा बैंक को लोन लेने के लिए, उसमें हमेशा आप बैंक से EPC के बदले PCFC मांगिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे 50% रेट में आपको यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। ओनियन के बारे में मैं आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ। ओनियन की हमारा जो क्रॉप ज़्यादा बारिश होने की वजह से ख़राब हो चुका था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से 18,000 मेट्रिक टन का इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये थोड़ा लेट भी हो चुका था और अभी हमारा खुद का भी क्रॉप आ गया है, लेकिन जब 18,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट होकर हमारे इंडिया में आया, तो बाकी के जितने स्टेट से वहाँ पे डिमांड कम हो जाने की वजह से ये स्टॉक बफर हो चुका है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश को ऑफ़र किया हुआ है कि आप जो हमारा इंपोर्टेड ओनियन है वो हमसे इंपोर्ट कीजिए। तो बांग्लादेश ने भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। मैंने आपको यहाँ पे freshplaza.com का एक लिंक दिया हुआ है, आप ज़्यादा जानकारी नीचे से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीकली न्यूज़ है। आपको हमेशा अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ में जुड़ा रहना चाहिए और अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, नहीं तो किसी भी बात का, कोई भी सर्कुलर आया होगा आपको नहीं पता होगा, तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। मास जो सबसे बड़ी एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि उसने यूपी से जो चिल्ली का जो मटेरियल था वो 9 डेज के अंदर जबल अली दुबई पोर्ट तक पहुँचाया हुआ है। और ये दो कंपनी है मास, वो अपेरा के साथ भी मिलकर काम कर रही है। इनका मेन बात यह है कि डोर टू डोर माल पहुँचाने का और बिल्कुल तात्कालिक पहुँचाना है। तो अगर आप पर्टिकुलर एग्रो कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो मास जो शिपिंग कंपनी है उसके साथ में जुड़े रहिए, आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो फास्ट पहुंचाने में आपकी पूरी मदद कर रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया और USA के बारे में बात बताने जा रहा हूँ कि इंडिया कॉमर्स मिस्टर पीयूष गोयल सेड ऑन न्यू दिल्ली वॉज एडवांस्ड दैट इंडिया इज एन एडवांस्ड स्टेज टू रिजॉल्व दी सम ऑफ दी ऑन गोइंग ट्रेड इशूज विद वॉशिंगटन एंड वॉज कीन टू एक्सपांड इट्स फॉर द इंक्लूडिंग फ्री ट्रेड पैक्ट। तो जो हमारा USA के साथ जो प्रॉब्लम चल रहे थे वो अभी एडवांस स्टेज के ऊपर है, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहे हैं और अभी वो जो ट्रेड पैक्ट था हमारा वो सही भी होने जा रहा है। तो जो भी पहले वाली जो बातें थी USA के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही थी इंडिया की, वो अभी खत्म होने की पूरी संभावना है। ज़्यादा मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है। फियो के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फियो ने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो है इन ऑर्डर टू कीप द इंडियन एक्सपोर्टर इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजेक्शन फेस्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज एंड टू टेक द प्रिवेंटेंशन, फियो इज फॉरवर्डिंग अ रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फ्रीड, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है RASFF, एंड फॉर द नॉन फूड कंज्यूमर प्रोडक्ट अलर्ट्स ऑन अ वीकली बेसिस। फियो हमेशा वीकली न्यूज़ आप लोगों को देता है कि कौन से प्रोडक्ट किस बात की वजह से
मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिजेक्शन हुए हैं और एक्सपोर्टर लोगों को अलर्ट्स देती है कि आप अपने इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। तो जो तीन प्रोडक्ट का जो इस वीक जो अलर्ट्स आया हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर वन है नेचुरल फेयरनेस स्कीम क्रीम है, वो जो फेयर वन प्लस कंटेनिंग मर्क्यूरी और वो नॉर्वे ने रिजेक्ट किया हुआ है। दूसरा है ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजिंग सॉल्यूशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया कंटेनिंग हाइड्रोक्विनोन और उसका जो आए वो भी नॉर्वे से आया हुआ है। और एक है कैडमियम इन फ्रोजन स्क्विड फ्रॉम इंडिया और वो पोर्चुगल ने नोटिफिकेशन में अलर्ट दिया हुआ है। तो अगर आप इन तीन चीज़ों में काम कर रहे हैं तो अपना ध्यान रखिए कि ये आपका मटेरियल अगर यहाँ से इन बातों की वजह से जा रहा है तो वो रिजेक्ट हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फियो की साइट के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। ग्रेप्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि ग्रेप्स जो महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो टोटल इंडिया के जो ग्रेप्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से वो 98% ओनली महाराष्ट्र से हो रहा है। महाराष्ट्र जो है वो हेक्टोरेटिकली इन द कंट्री स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड टू एरिया जो है वो प्रोडक्शन में नंबर वन पे है। वो जो उनके दूसरे आइटम्स हैं वो है मैंगो बनाना पॉमग्रोनेट एंड फ्यू अदर वेजिटेबल्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप्स वहाँ महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको लिंक दी हुई है, आप खोल के ज़्यादा जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में और एक न्यूज़ आई है कि इंडिया लैक एग्री प्लानिंग कॉजिंग इन्फ्लेशन। तो प्लानिंग जो है हमारी प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। आगे ये बता रहे हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर प्लानिंग इन इंडिया लीड टू द हाई इन्फ्लेशन हर्टिंग द पुअर मोस्ट। द फूड इन्फ्लेशन इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 2019 इंडिकेट्स द नीड टू डिग डीपर इन टू द एग्रीकल्चर पॉलिसी। तो जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो हमारी ज़्यादा प्लानिंग करके आगे बढ़ाना चाहिए एंड इम्प्रूव दिस देम टू अवॉइड सच अ सिचुएशन इन द फ्यूचर। तो जैसे ऐसे बातों को अगर हम लोग अपनी एग्रीकल्चर प्लानिंग को इम्प्रूव करेंगे तो ऐसे इस चीज़ की जो प्लानिंग नहीं होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो नहीं होंगे। तो उसके बारे में फ्रेश प्लाजा ने भी हम लोगों को एडवाइस दिया कि आपका जो एग्रीकल्चर का जो प्लानिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए और उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको भी चेंज किया जाए। स्पेनिश बेरीज के बारे में कुछ न्यूज़ है कि फ्रेश हुलवा इज़ वर्किंग टू ओपन द इंडियन मार्केट फॉर स्पेनिश बेरीज। वो पहले चाइना के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे थे और उन लोगों ने भी नेक्स्ट टारगेट इंडिया को किया हुआ है और वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ अपना ज़्यादा जो भी पहले बेरीज वगैरह थे प्रोटोकॉल्स थे एग्रीमेंट्स थे उनको बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इन अक्टूबर 2018 द एसोसिएशन आस्क्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फूड जिसको हम लोग बाबा बोलते हैं टू हेल्प देम टू एक्सप्लोर द न्यू मार्केट इन इंडिया और वो लोग ज़्यादा माल यहाँ पे इंडिया में लाना चाह रहे हैं। तो दोनों का अगर कुछ एग्रीमेंट हो गया तो ये वाली जो चीज़ें हैं वहाँ से फ्रेश हलवा से स्पेनिश बेरीज आने का ये इम्पोर्ट होना चालू होगा। पोर्चुगल के बारे में एसोकेम से एक मैसेज आया हुआ है कि इंडिया पोर्चुगल बिजनेस सेशन के बारे में एसोकेम इज़ कोऑर्डिनेटिंग इन इंडिया पोर्चुगल बिजनेस सेशन विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनका जो इन द हॉनर ऑफ हिज हाइनेस मिस्टर मार्सेलो रोबेलो जो पोर्चुगीज़ रिपब्लिक का जो प्रेसिडेंट है और वो 15 February को मुंबई में ट्राइडेंट होटल में लगने जा रहा है। तो मैंने नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, अगर आपके जो पर्टिकुलर अभी मैं इंडस्ट्री बताने जा रहा हूँ उसमें आप हैं और इससे पर्टिकुलर पोर्चुगल के बिजनेस इंडिया बिजनेस सेशन के अंदर अपना भाग लेना चाहते हैं तो आप उसमें नीचे वाले लिंक को खोल के वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो एरियाज हैं वो हैं एग्रीकल्चर टेक्सटाइल अपैरल रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस डिफेंस बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन मेटल केमिकल्स प्लास्टिक रबर ऑटोमोबाइल आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेनी मोर। तो अगर आप पोर्चुगल बिजनेस सेशन के अंदर भाग लेना चाहते हैं तो नीचे दी हुई डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कीजिए और ये जो लगने जा रहा है 15 February मुंबई में ट्राइडेंट होटल में होने जा रहा है। एमएसएमई के बारे में कुछ न्यूज़ बताने जा रहा हूँ कि 7th एमएसएमई एक्सेलेंट अवार्ड एंड समिट लगने जा रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। एमएसएमई ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया इकोनॉमी थर्सडे 30 January होटल ली मेरिडियन इन न्यू दिल्ली। इससे पूरी जो एमएसएमई का जो पर्टिकुलर एक्सेलेंट समिट एंड अवार्ड है जो उसका जो पूरा ब्रोशर है और पूरा जो नॉमिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो मैंने आपको नीचे लिंक में दिया हुआ है, अगर आप उसमें पर्टिकुलर में भाग लेना चाहते हैं तो उसमें
खोल के पढ़िए और अपना वहाँ पे नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन करवाइए। कुछ एग्जीबिशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नेपाल के अंदर एक एग्जीबिशन लगने जा रहा है, तो आप अगर इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर, फार्म मशीनरीज, डेयरी, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, फार्म इक्विपमेंट्स। और हाईलाइट जो हैं इसे पर्टिकुलर नेपाल के अंदर भरतपुर में नेपाल में लगने जा रहा है, और इसके हाईलाइट्स हैं बायर सेलर मीट, इंटरनेशनल पेविलॉन, टेस्ट टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नॉलेज प्लेटफॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ब्रोशर। इन डिटेल मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है, आप खोल के पढ़ सकते हैं, और अगर इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप अपने आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दूसरे लोगों तक भी इसमें पहुँचाने की मदद कीजिए। बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि ये हम लोग वीकली न्यूज़ देते हैं आपको अपडेशन रखने के लिए, तो ताकि ये आपको न्यूज़ इमीडिएटली मिलती रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।